नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला दतिया द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु आज 28 नवंबर को डाइट परिसर जिला दतिया में रोजगार मेला लगाया गया। इस मेले में आई विभिन्न कंपनियों के स्टॉल पर पहुंचकर युवक युवतियां अपना पंजीयन करा रहे हैं। मेला शाम 5 बजे तक चलेगा। ये इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीयन आयोजित रोजगार मेले में करा सकते हैं। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिले से दिलीप सिंह ने बताया कि इस मेले में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जिले के शिक्षित बेरोजगारों से विभिन्न पदों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। आज दतिया में कुलोदे टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड की खापी गुजरात, वर्धमान मंडीदीप, भोपाल सीहोर, शिव शक्ति सागर, नव भारत फर्टिलाइजर भोपाल, PNB, RCT दतिया, जन शिक्षण संस्थान दतिया, रोमन टेक्नोलॉजी, DDU, GKY ग्वालियर, महिंद्रा इंस्टीट्यूट, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र दतिया, सुरक्षा गार्ड SIS दिल्ली आदि कंपनी आई हैं। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की खास रिपोर्ट। के माध्यम से रोजगार मेला लगाया जा रहा है जिसमें विभिन्न औद्योगिक कंपनी है जो अपने यहाँ पर पार्टिसिपेट की हैं, और उसमें जैसे कुलोदय टेक्नोपैक है जो गुजरात की कंपनी है, इसकी एक ब्रांच इंदौर में भी है, और इसमें आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन सभी प्रकार के और जो लेबर वर्क है, हेल्पर वर्क है, उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी 5वीं से लेकर 8वीं तक मांगा गया है, जिसमें अभी तक कम से कम इस कंपनी में 40 के लगभग लोग पंजीयन करा चुके हैं जो जाने के इच्छुक हैं लड़के, और अलग अलग ब्रांच की और भी कंपनी आई हुई है। यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थाओं को भी बुलाया गया है कि अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है, प्रशिक्षण के बाद जाना चाहता है, तो ऐसा करके अपने सारी कंपनियों को, विभिन्न प्रकार की जो कंपनी है जिसमें अभी तक का पंजीयन हुआ है अपना 145, और इसी टाइप से जितने भी हैं आगे भी रोजगार मेले लगे हुए हैं। भांडेर में भी रोजगार मेला लगा हुआ है। भांडेर में अपने 96 लोगों का पंजीयन हुआ था, जिसमें उसमें 39 लोग कुलोदय टेक्नोकैप में रजिस्टर कराया है, पंजीयन कराया है, और अलग अलग ब्रांच में भी, मतलब कंपनियों में भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वहाँ पे लड़के जा रहे हैं। और ऐसे ही अपना एक छोड़ा में लगा था एक कैंप इसका रोजगार मेले का, जिसमें वहाँ भी अच्छे खासे लोग जो बेरोजगार युवा हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, और वहाँ से भी लड़के जाएंगे। तो इनका एक दिन पंजीयन करा के इनके लिए जो सरकार मुहैया कराती है, जैसे अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं और वो जाना चाहते हैं तो उनको किराया मुहैया कराती है, जो यहाँ से किराए सरकार की तरफ से रहता है और कंपनी तक भेजने का पूरा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती है सरकार की कि सभी कंपनियों की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें उनको जो युवा यहाँ के जाते हैं उनको किसी प्रकार के तकलीफ ना हो और किसी बच्चे के साथ कोई फ्रॉड या कोई अलग प्रकार के काम ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है, और यहाँ से ऑफिशियल नंबर भी इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आगे जाके कोई भी वहाँ प्रॉब्लम आए तो वो यहाँ बता सके, और कंपनी में गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई विजिट करता रहता है बीच बीच में कंपनी में। प्रशिक्षण के संबंध में कौन कौन सी आपके यहाँ आई हैं अभी? हमारे यहाँ प्रशिक्षण के संबंध में दीनदयाल कौशल उन्नयन योजना जो रोमन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो ग्वालियर में है, उसमें ये मध्य प्रदेश सरकार है जो उसमें मध्य प्रदेश डे ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन की तरफ से का ही एक उपक्रम है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना है DDU की, उसमें BPL कार्डधारी जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा और गरीब तबके के लिए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट दिया जाता है, जिसमें वहाँ पर रहने की उनकी अच्छी व्यवस्थाएँ होती हैं, सारी चीज़ें हैं। इसी टाइप से स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दतिया, जो सरकार का ही उपक्रम है, उसमें भी स्वरोजगार के लिए जो व्यक्ति बाहर नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहीं पर पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और गवर्नमेंट के हिसाब से जो लोन वगैरह का होता है उसके लिए प्रयास किया जाता है ताकि वो अपना रोजगार यहीं पर प्राप्त कर सकें और स्वरोजगार के लिए तैयार हो जाए, इस टाइप से। बाकी एक कंपनी और है अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो दतिया महिंद्रा इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसमें भी लोगों का ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग देने के बाद में इनका प्लेसमेंट किया जाता है, किसी न किसी कोई ना कोई कंपनी यहाँ पर भी आती है और कंपनी के माध्यम से इनको प्लेसमेंट दिया जाता है, तो पहले इनका स्किल किया जाता है उसके बाद प्लेसमेंट दिया जाता है, जो एक कंपनी आई हुई है। तो इनमें अच्छा खासा रहता है कि इनमें लड़के अगर अच्छे, कोई इंटेलिजेंट नहीं है या स्किल उनकी डेवलप नहीं है, तो इससे डेवलप होने के बाद में वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं का रोजगार तैयार कर सकते हैं।